नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए जो पिछला वीडियो बनाया था उसी क्रम में मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। वो था बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ, और उसमें हमने शुरुआत की थी चार आर्य सत्य से। वो चार आर्य सत्य जो थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहूँगी कि जो चौथा आर्य सत्य था, दुख निरोध मार्ग, वो दुख निरोध मार्ग कौन कौन से हैं, मतलब हम कौन से मार्गों को अपना करके दुखों को दूर कर सकते हैं। वैसे तो आपको बता ही दिया था मैंने, दुख का कारण क्या बताया था आपको, दुख का कारण है, मेनली दुख का कारण तृष्णा ही है, और वह तृष्णा ऐसी तृष्णा है जो हम और आप उससे बचने का उपाय ढूंढते रहते हैं पर बच नहीं पाते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने बताया कि तृष्णा से बचने के कौन कौन से उपाय हैं। अगर हम तृष्णा से बचेंगे तो हमारे को क्या होगा, दुखों का हम काफ़ी हद तक सामना कर पाएंगे। तो अब आप देखते हैं कि तृष्णा से बचने के लिए हमारे को वैसे मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग पर अगर हम लोग चलते हैं तो हम तृष्णा से बच सकते हैं। अब वो आठ मार्ग कौन कौन से हैं जिनसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं, वो है अष्टांगिक मार्ग। अब आपके चार नंबर का प्रश्न आएगा कि अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य कौन से हैं और चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग, आठ मार्ग कौन कौन से हैं। तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा या इच्छा ही मनुष्य के दुखों का कारण है। वो आठ मार्ग हैं सम्यक, अब आप देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। तो क्या है, पहला जो आर्य सत्य है वो है सम्यक दृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी रहेगी, हम सत्य असत्य, पाप पुण्य, सदाचार दुराचार और सही क्या है गलत क्या है, इसमें अगर हम भेद कर पाएंगे तो हमारे को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहते हैं, कहा भी गया है कि जैसी दृष्टि वैसी क्या होती सृष्टि, ठीक है। तो पहला जो अष्टांगिक मार्ग हुआ वो हुआ सम्यक दृष्टि। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है सम्यक संकल्प, मतलब कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का हम पक्का निश्चय कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो सम्यक संकल्प कहलाता है ना, डिटर्मिनेशन। तीसरा आर्य सत्य जो है वो है अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक वाणी। मन वचन और कर्म से हम लोग अगर वाणी अच्छी रखते हैं, अच्छा बोलते हैं, सत्य विनम्र और मृदु वचन बोलते हैं तो बहुत हद तक हम लोग दुखों से दूर हो सकते हैं। इसके बाद में चौथा आर्य सत्य है सम्यक कर्मार्थ, मतलब अगर हम लोग सब कर्मों में पवित्रता रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, हिंसा द्रोह दुराचार से बचे रहते हैं तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। अब कर्म में भी आप देखिए, मन वचन और कर्म तीनों चीज़ें आती हैं। हम अच्छा कर्म करें तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी क्रम में हम देखेंगे सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका क्या होती है, सम्यक का अर्थ तो अच्छा है, आजीविका है जो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए जिस तरीके का उपयोग करता है, जिस तरीके का साधन अपनाता है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा उचित साधन होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से सम्यक प्रयत्न, इसे क्या कहा गया है, सम्यक व्यायाम भी कहा गया है। इसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसी प्रकार से सातवां है आपके सम्यक स्मृति, और सम्यक स्मृति में क्या है, स्मृति क्या होती है, मेमोरीज, मतलब हम हमेशा अगर अच्छी अच्छी बातें दिमाग में रखेंगे तो हम काफ़ी हद तक दुखों से बच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से है सम्यक समाधि, मतलब समाधि का अर्थ क्या होता है, चित्त की एकाग्रता। हम यदि चित्त की एकाग्रता रखेंगे तो हम बहुत हद तक हमारा कंसंट्रेशन सही रहेगा और हम दुखों से दूर हो जाएंगे। तो ये तो आपके चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हुए। इसी क्रम में मैं आगे चलते हुए आपको बताना चाहूँगी, अगली जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है वो है मध्यम मार्ग। बहुत हद तक मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो है वो मध्यम मार्ग पर ही आधारित है। मध्यम मार्ग का अर्थ होता है बीच का रास्ता। जब हम अति पर नहीं चलेंगे, अति का हम त्याग कर देंगे और हम मध्यम मार्ग पर चलेंगे तो हमारे को क्या है, बहुत हद तक हमें दुखों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने यहाँ तक बताया, एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि वीणा के तारों को नहीं तो इतना कसो कि वो टूट जाए
और न ही इतना ढीला छोड़ो कि उनमें से सुर ही नहीं निकल पाए। तो ये कौन सा रास्ता हुआ, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो उसमें संगीत आएगा तो वो बजेगा, और हम उनको इतना कस लेंगे या इतना ढीला छोड़ देंगे तो वो उसका अपना उनका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जो है वो मध्यम मार्ग जो है वो उसका उदाहरण है। और इसके अलावा उन्होंने जो 10 शील बताए थे वो भी क्या हैं, वो भी उनके आचरण के नियमों पर ही आधारित है। तो महात्मा बुद्ध ने यही बताया कि हर व्यक्ति को सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह असमय भोजन का त्याग असमय शैया का त्याग है ना, तो इस प्रकार से अनायास वार्तालाप और इस प्रकार से कोमल शैया का त्याग करना, काम कंचन कामनी का त्याग करना है ना, तो सुगंधित पदार्थों का त्याग करना और असमय खाते नहीं रहना, तो ये सब क्या है, ये 10 शील हैं। शील का अर्थ होता है आचरण के नियम। हम सब जब हम इनको मानेंगे तो हमें दुखों का सामना जो है वो कम से कम ही करना पड़ेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।